क्या तुम कर रहे हो ऐसा फालतू सब काम यार, सुन लियो ना। हाँ वो किसी और कारण से। वेल दिस इज 4 AM इन द मॉर्निंग और 4:30 बजे मुझे जिम के लिए निकलना है क्योंकि मेरा जो दोस्त है जिम पार्टनर श्रीजन रामी है। मतलब सुबह सुबह 5 बजे ठंड में यार वो वहाँ पहुँच जाता है और ही एक्सपेक्ट्स मी टू कम एट दैट टाइम। उसकी वजह से मुझे भी 5 बजे जाना पड़ता है, जिस टाइम में वो जाता है उसी टाइम में मुझे भी जाना पड़ता है क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना आई कैंट एक्सरसाइज। तो चलते हैं अभी, आई हैव माई प्री वर्कआउट मील्स एज वेल एज अल्लू ब्रश। Yeah, so I'm all set to go. अभी मैं आगे मैं इतना इतना अंधेरा होता है 4:30 बजे, पूरा खाली है यार, कोई नहीं दिख रहा। चलो फर्स्ट डे है, दैट इज व्हाई आई एम थोड़ा सा सरप्राइज्ड। श्रीजन को भी सरप्राइज मिलने वाला है, उसको मैंने नहीं बताया कि आज से मैं भी आ रहा हूँ। वैसे मैं जिम ना पहली बार नहीं जा रहा, मैं पहले भी जाया करता था, जनवरी फरवरी तक मैं गया था जिम, उसके बाद लाइक एवरीबॉडी एल्स आई आल्सो लेफ्ट द जिम। तो आज 9 महीने के बाद November 1, 2021 को इतने दिनों के बाद मेरी अंतरात्मा ने मुझे अचानक से कहा कि बेटा और जा, ठीक है अबे लाइफ चेंज करने निकले यार, इतना तो बनता है हैं। ओके सो गुड न्यूज़ इज दैट आई हैव रीच्ड हियर, बट बैड न्यूज़ इज आई हैव रीच्ड लेट, आई एम 10 और 15 मिनट्स लेट, इट्स 5:15। 9 महीनों के बाद ये गलियां ये पीपल माइट बी स्लीपिंग राइट नाउ। ओके सो आई हैव रीच्ड माय 9 मंथ्स ओल्ड जिम, तो शॉर्ट्स पहन लेता हूं। तो जिम आते के साथ मेरा पुराना आदत श्रीजन से पूछना है सबसे पहले क्या करना है। श्रीजन सबसे पहले क्या करना है? ऐसे वार्मअप, सब वार्मअप अपना जो कर ले। ओके पूरा फुल बॉडी भी, अपर बॉडी मार ले, लोअर मार ले ना। पहले सारा वार्मअप फिर पुशअप। फर्स्ट डे आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरे ख्याल से मेरा वार्मअप ऑलरेडी हो चुका है, घर से लेकर यहाँ तक पैदल आया, उसी में बीच बीच में जॉगिंग भी कर लिया मैंने थोड़ा बहुत। वार्म अप योर बॉडी, वार्म अप, माय बॉडी इज ऑलरेडी वार्म्ड अप, हर जगह से स्वेट निकल रहा है असली। अच्छा मैं टेस्ट करता हूँ, मैं 9 महीने के बाद, 9 महीने पहले मैंने स्ट्रेंथ बनाया था, 9 महीने के बाद अभी उस वक्त मैं 20 या 25 पुशअप्स मार पाता था एक राउंड में, अभी देखता हूँ मैं एक सेट में कितने पुशअप्स मार सकता हूँ। सिक्सटीन। अब मैं कैमरा बैग में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे असली का वर्कआउट करना है। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड बिकॉज 9 महीने पहले जब मैं जिम जाया करता था तो मेरा अच्छा खासा स्ट्रेंथ बन चुका था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ, मतलब मेरा सारा स्ट्रेंथ जा चुका है और एक तरह से मेरा पहला दिन ही। पहले मैं 20-25 किलो के डंबल्स उठा लिया करता था, लेकिन अब 5 kg भी ठीक से नहीं उठ रहा, तो थोड़ा टाइम लगेगा स्ट्रेंथ वापस लाने में। तब तक अपन को ऐसे ही परसिस्टेंटली रोज एक्सरसाइज करते रहना है और क्या। 6 बज चुके हैं और मेरा आधा वर्कआउट पूरा हो चुका है और आधा बचा हुआ है, तो व्हाट्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज मुझे नहीं पता। श्रीजन इज माय ट्रेनर, इज माय फ्रेंड, इज माय जिम पार्टनर, सो ही इज गोना टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट। उससे पूछते हैं अंदर जाके आगे क्या करना है, अगला एक्सरसाइज क्या है। बीरो नेक्स्ट एक्सरसाइज पुशअप हो रहा है, देख पुशअप हो रहा है या नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग। एक और बार ट्राई करना चाहिए, पीछे का हाथ तो नहीं हुआ ही नहीं, मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेने के बाद आधे घंटे पुशअप्स ही नहीं हो रहा, मतलब इट इज़ वर्किंग एक्सरसाइज, अच्छा किया है ना है? जो थोड़ा स्टार्टिंग टाइम स्ट्रेचिंग किया था वही सब अभी जाते टाइम भी अभी कर ले, ठीक है। उसके पहले एब्स ट्रेन कर ले, ये यहाँ जो होता है ना इसके अंदर, इसको कहते हैं एब्स, अभी नहीं मैं एक साल बाद दिखाऊंगा। एब्स ट्रेनिंग करके फिर वही स्ट्रेचिंग करना है और फिर बाहर मिलते हैं, ठीक है।
सो इट्स शार्प 7 AM इन द मॉर्निंग एंड वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम द जिम. इसका बाइसेप्स था मेरा ओवरऑल. आज मैंने सिर्फ वार्म अप किया और बच्चों 7 बज रहे हैं और वहाँ पहुँचते हुए 7:30 बज जाएगा. साइकिल नहीं हो पाता ना, हम रोड पे भी कुछ कुछ भगते हुए जाते हैं. अभी जा रहे घर. हाँ मेरा इंतजाम कर दिया ब्रो, थैंक यू. अच्छा तो मुझे पैदल नहीं जाना पड़ेगा, भाई छोड़ देगा मुझे. हेलो ब्रदर, बाय बाय ब्रो, चलते फिर. आज के आज ही व्लॉग अपलोड करना है मुझे, तो मैं एक सेकेंड भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहता. तो अभी मैं घर जाऊंगा, आई टेक बाथ, देन आई हैव माय ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट तो इतना सुबह सुबह मम्मा ने बनाया नहीं होगा, तो देखते हैं. 100 मीटर और मिलते घर पे मिलते. हाँ दैट्स माय फादर, सुबह से मेरे को खोज जाओगे. हाँ नहीं पैदल गए थे. हाँ सुबह सुबह गाड़ी कर रहे अंकल. मॉर्निंग वॉक भाई, पैदल गए, पैदल पैदल. दिस इज माई फर्स्ट डिनर, सो एवरीवन इज कन्फ्यूज कि सुबह सुबह जाके कहाँ है. रोज़ 10 बजे उठने वाला लौंडा. हाँ और मुझे एडिटिंग करना है. एडिटिंग नहीं, अभी आगे देखते हैं ना क्या क्या होता है. तो फर्स्ट है मतलब November 1, 2021. तो मॉर्निंग शिफ्ट वेंट वेल है ना. ओ घर नहीं दिखाना है, घर गंदा है. अभी दिवाली की साफ सफाई चल रही है. आई कांट शो यू माई हाउस लाइक दिस. बैकग्राउंड ढको 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 बैकग्राउंड. फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वेंट वेरी वेल. Right now my neighbor is staring at me. ये देखो मैं जैकेट खोल रहा हूँ गाइज. ये देखो मैं जैकेट टांग रहा हूँ गाइज. ये देखो मैं ट्राउजर खोल रहा हूँ गाइज. ये देखो मैंने ट्राउजर खोल लिया गाइज. और क्या करना है गाइज. Now I will have my pre-workout meal. तो हो गया वर्कआउट करने के बाद वाले खाने को क्या बोलते हैं. मम्मा एक्सरसाइज करने के बाद जो खाना मिलता है उसको क्या बोलते हैं. सो गाइज आई एम गोना हैव माय पोस्ट वर्कआउट मील. यू नो दिस इज माय फर्स्ट डे एंड आई नो आई एम वेरी स्किनी एज वेल एज एक्साइटेड. सो द कॉम्बिनेशन इज वेर. 9:30 बज गए सुबह के और अभी मेरे को नहाने का है. नहा धो के ब्रेकफास्ट करके 11 बजे मिलता है. आज एक्चुअली एक स्पेशल डे है. मैंने बम बम कर लिया. ये 1, 2, 3 तीन रोटी है घी लगा के. अगर पेट नहीं भरा तो एक और लूँगा. इट्स शार्प 10. इम्प्रूविंग माई ईटिंग हैबिट्स इज द फोमस्ट थिंग आई एम गोना डू. तो अभी मैं बढ़िया से ब्रेकफास्ट करूँगा और उसके बाद सुबह सुबह उठा हूँ इसलिए मम्मी खुश है. ये वैसे मेरे नाश्ते करने उठने का टाइम है ना मम्मा. ये मेरा तेरी खुशबू आती है. किशोर कुमार का गाना हम रोज रात को सुनकर सोते हैं. सुबह मेरे अलार्म में भी बजता है, सपने में भी आते हैं. पता है सपने में आज किशोर कुमार गा रहे थे मेरे बगल में बैठ के बिना म्यूजिक का. बिलीव हुआ? नहीं. सच में? सच में. कितना चाहिए? अच्छा 1 मिनट. हाँ नहीं. ओ अच्छा मैं अपने बैग से निकाल ही रहा था चेंज, लेकिन पापा ने मुझे 10 का दे दिया. तो मैं अपना वाला भी दे देता हूँ, पापा वाला भी दे देता हूँ. लीजिए चाचा. आराम से आराम. हाँ खुश हो गए. खुश हो के उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया. वाह मम्मा धूप सेक रही है. फिलहाल हम लोग बैंक के लिए निकल रहे हैं. पापा चले. ओके सो हम लोग बैंक पहुँच चुके हैं. कैमरा ऑन है भाई, लॉक कर देंगे. हाँ ये ना ATM चल रहा है ना Paytm. एंड आई एम लीविंग द बैंक. वो रीच्ड माय होम. 12:30 हो गया. इसी तरह से दिन पार होता है मेरा है. तो क्या बड़े मैं सब कुछ करूँ. वैक्सीन लेने जाए. तो सबसे पहले तो हम लोग पता गए कि वैक्सीन कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है. लाइक कर्जन ग्राउंड सबसे पास है 250 मीटर, वहाँ अगर मिल गया तो सही है. तो वी हैव इंडिविजुअल जिसको ये सारी चीज़ें पता है कहाँ पे वैक्सीन मिल रहा है कहाँ पे नहीं. क्या फिर नन्हे अंकल को फ़ोन लगाए. क्या? हेलो नन्हे अंकल. हाँ बेटा. वो वैक्सीन के बारे में पूछना था. तुम्हारा स्टेडियम में पूछोगे ना? अच्छा मतलब कर्जन ग्राउंड में. ठीक है थैंक यू बाय. कार्ड दिए मेरा थैंक यू नहीं सुने. अरे 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 बाप अरे बाप अरे 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 आराम से. अरे 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 गजब 103 करोड़. ग्रेट ग्रेट. रजिस्ट्रेशन हो चुका है. तो अभी मैंने गूगल पे एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें 3-4 पॉइंट्स थे, जैसे कि वैक्सीनेशन सेंटर पे जाने से पहले आपको फुल टी शर्ट नहीं हाफ टी शर्ट पहन लेना चाहिए. सो इट्स 12:45 और मैंने 12 से 2 का, दैट्स माई प्रेफरेंस टाइमिंग. सो 1 बजे मतलब 10 मिनट में अभी निकल रहा है. ओके सो वी हैव रीच्ड द वैक्सीनेशन सेंटर.
क्या तुम कर रहे हो ऐसा फालतू सब काम यार, सुन लियो ना। हाँ वो किसी और कारण से। चाचा गलत हो रहा है, नहीं गलत हो रहा है चाचा। कम मोबाइल चलाने नहीं आते। 1454 17 आप आइए ना भैया, घर दो घर से जाने। एक सेकंड में फोटो ले लेते हैं। अच्छा नहीं हो रहा, आपका कोविड सील पड़ रहा है। ठीक, अच्छा क्यों अलाउड नहीं है पापा वो फोटो? यार हर जगह का मतलब थाना में ले जाओगे कैमरा भगा नहीं देगा। नहीं रीजन होगा ना कुछ चूतिया, मतलब ये तो अच्छा है ना अवेयरनेस के लिए। स्टोरी टेलर हूँ मैं, कोई गुंडा या फिर मीडिया पर्सन नहीं हूँ। तो लेमी टेल माई स्टोरी, लेमी जस्ट रिकॉर्ड दोज मोमेंट्स, वो बार बार नहीं आते। हम एकदम मूड ऑफ मेरा खराब। तो दोपहर के 3 बज चुके हैं, इट इज़ लंच टाइम। बिफोर आई हैव माई लंच आई हैड टू टेल यू दिस, मेरे दिमाग में ना कुछ चल रहा है, मेरे काम ठीक से हो नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं हो रहा मुझे उसका रीज़न पता है, वो एक प्रॉब्लम है जिसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसके बारे में हम लोग सुबह बात करेंगे, ठीक है, याद रखना इसको। दिस इज शार्प 5 PM November 1, 2021। आई एम एट चैप्टर 5, बुक्स नेम इज एटमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लेयर। इफ यू वॉन्ट टू मेक अ हैबिट अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ, मेक द क्यू अ बिग पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। मोस्ट पीपल लिव इन अ वर्ल्ड अदर्स हैव क्रिएटेड फॉर देम। बी द डिजाइनर ऑफ योर वर्ल्ड एंड नॉट मेरली द कंज्यूमर ऑफ इट। हेलो हेलो, मेरा आवाज आ गया? हाँ हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल पापा बुला रहे थे, एक सेकंड।